Yes, good morning, Varsha. Very good morning, Anjali. Good morning. Yeah, good morning, Goldie Kumari. Good morning, Suruchi Shreya. Very good morning. Happy morning, Lekika. Good morning. Good morning. हैप्पी मॉर्निंग में देखते ही चेहरे में स्माइल आ जाती है, क्यों? वर्ड में कुछ जादू है, हैप्पी हैप्पी करेंगे तो बत्तीस ही दिखेगा, है ना। बूंदाबांदी हो रही है वहां, नहीं नहीं हो रही है यहाँ बूंदाबांदी। क्लास मत लीजिए क्योंकि बहुत बारिश होने वाली है। हम ना ओपन ग्राउंड में, अच्छा नेटवर्क इश्यू भी है, ओके नहीं हो रही है। रात में बहुत बारिश हुई है, कल शाम से लेकर रात तक बहुत बारिश हुई है और अभी मौसम साफ है, ओके हाँ पता चला, मुझे पता चला। एक्चुअली ये सब असर तूफान के वजह से है, राइट? आई गेस तूफान आया है उसी का असर है। रिट्रीटिंग मॉनसून तो नहीं हो सकता ये, क्या ये रिट्रीटिंग मॉनसून है? गुड मॉर्निंग प्रियांशु, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग सोशल पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, मुझे तो उतना नॉलेज थोड़ा बहुत तो है ना। ये रिट्रीटिंग मॉनसून है क्या ये, वर्षा? अच्छा वर्षा ने बोला यस सर, ये रिट्रीटिंग मॉनसून है। अच्छा रिट्रीटिंग मॉनसून किसको कहते हैं, किसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून? वापस जाने वाला मॉनसून, उसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। आई होप सो। तो मुझे नहीं लगता कि रिट्रीटिंग मॉनसून है। एनीवेज मलेरिया के बारे में शुरू करने वाले हैं। लो प्रेशर फॉर्म हुआ है हाफ बे ऑफ बंगाल में। अच्छा सो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर फॉर्म हुआ है तो फिर लैंड से ना विंड उधर जाना चाहिए, उधर से इधर आएगा। कैसे विंड फॉर्म होता है? आंधी चल रही है, हवा चल रही है, विंड फॉर्म कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाता है? नाइन स्टैंडर्ड का नेचुरल रिसोर्सेस लगता है नहीं पढ़ा किसी ने। अच्छा ओ अच्छा 3 मंथ्स लगते हैं, प्लीज दिस इज नॉट अ ज्योग्राफी क्लास, प्लीज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, शुरू तो हो चुका है, मलेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं और मलेरिया को ही हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मलेरिया को ही क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मलेरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक ऐसा डिजीज है, ठीक है। मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेट करता है कि नहीं करता है, बताइए हमें। वेक्टर है हमारा, कैरियर है हमारा मस्किटो, फीमेल एनाफिलिस एंड एनाफिलिस मस्किटो, राइट। एक और एडिस एगिप्टी नाम का एक मच्छर है, क्या वो मच्छर कौन सा डिजीज कॉज करता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे एडिस एगिप्टी नाम का एक मच्छर है जो कोई एक डिजीज कॉज करता है, क्या नाम है उस डिजीज का? एनीबडी प्लीज, एनीबडी आउट हियर, कम ऑन, लेट्स हैव सम फन, कम ऑन टेल मी। Express yourself. Express. Come on. Tell me. Aedes aegypti. नहीं सुना है नाम? सुन को मुझे बताओ. Thank you. Okay. Smart. चलो तो क्या होता है, हमारे मच्छर हैं, हमारे मच्छर जो है बहुत हमारे साथी हैं, मित्र हैं, वो हमें काटते हैं और हमें क्या देते हैं, मलेरिया। हमें क्या देते हैं, मलेरिया देते हैं। सो मलेरिया का वेक्टर है मच्छर, एनोफिलिस मस्किटो, और एनोफिलिस मस्किटो है, और ये क्या है, ये कम्युनिकेबल है, यस, और कम्युनिकेबल है। तो ये मच्छर क्या है, पैरासाइट है, मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है। तो क्या हम इसको पैरासाइटिक डिजीज कहेंगे? बिल्कुल नहीं, पैरासाइट के वजह से ये स्प्रेड होता है। मच्छर कौन सा पैरासाइट है, एक तो पैरासाइट है ना। हम बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में, मलेरिया पैरासाइट के वजह से होता है, अगर पैरासाइट नहीं है तो मलेरिया नहीं हो सकता है। लेकिन वो पैरासाइट क्या है, वो डिजीज कॉजिंग नहीं है, वो कैरियर है, डिजीज कैरियर है, ठीक है। पैरासाइट क्या है, वो डिजीज कैरियर है, डिजीज को कैरी कर रहा है, राइट। ये कौन सा डिजीज है एक्चुअली, मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है। क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज,
ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं पहले चिल्स, फीवर, बॉडी पेन। चिल्स यानी जाड़ बुखार, जाड़ बुखार है ना, चिल्स एंड फीवर, बॉडी पेन। उसके बाद क्या हो सकता है बोलिए, ठंडा, ठंडा लगेगा है ना, क्योंकि जब चिल्स है तो यहां पे क्या होगा, ठंडा लगेगा, शिवरिंग, शिवरिंग होगा, कभी टेम्परेचर रेज होगा, कभी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि शाम में एक बार टेम्परेचर राइज होता है तो सडनली सडन राइज इन टेम्परेचर, सडन राइज इन टेम्परेचर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इमीडिएटली धीरे धीरे करके दिन में क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, ग्रेजुअल डिक्रीज इन, ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर, चढ़ेगा उतरेगा, बुखार चढ़ेगा उतरेगा। इट कैन बी अ मलेरिया, इट कैन बी अ मलेरिया, सो यू हैव टू गो एंड चेक योर ब्लड। ठीक है, आपके ब्लड को चेक करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग चेक करते हैं एमपी, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट का जो टेस्ट का नाम है एमपी, मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट का नाम क्या है, एमपी, ठीक है, एमपी कराते हैं, यानी मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट क्या है, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, यानी सीरम से, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में उसके पहले हमने पढ़ा था, एक बार हम पढ़ रहे थे कि सीरम क्या होता है ना, तो सीरम से जो टेस्ट होने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, है ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये जो हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट है, यानी सीरम से होगा और मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट है, मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, पैरासाइट का टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट का नाम ही एमपी, ठीक है, एमपी टेस्ट, एमपी मलेरियल पैरासाइट, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट है। इसे क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा होता है, ठीक है, इस तरह से, राइट, और यहां पे सीरम को डाला जाता है। जैसे हम सीरम को यहां पे डालेंगे, सीरम मूव करेगा कैपिलरी एक्शन से, ये सीरम मूव करेगा और ये पूरे बैंड में ये क्या करेगा, अटैच करेगा। क्या होता है, हमारे जनरली जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, वैसे ही एक लाइन आएगा, एक लाइन आया, इसका मतलब रिपीट क्या है, सही है, कंट्रोल टेस्ट होता है, और ऊपर लिखा होता है सी, ये कंट्रोल के लिए होता है। फिर अगर वो रन करेगा और दूसरा लाइन आ गया, मानो कि ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये मलेरिया का टेस्ट किट है ये, ठीक है, किट टेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो है स्टार्टिंग में इनिशियल डायग्नोसिस के लिए होता है, उसके बाद फर्दर डायग्नोसिस भी आगे चल के किया जाता है, फर्दर चेकअप किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, इनिशियल स्टेज के लिए है, ठीक है, इनिशियल डायग्नोसिस, स्टार्टिंग में फर्स्ट एड की तरह ये हम लोग टेस्ट करके देखेंगे है कि नहीं है, अगर पॉजिटिव निकला तो कुछ एक और टेस्ट और करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्टिंग होता है, एक और तरह का टेस्ट होता है वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जनरली कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये एमपी के पास सीधे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अगर पॉजिटिव निकला है, ठीक है, और कुछ लोग और एडवांस टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एमपी यानी मलेरियल पैरासाइट सीरम टेस्ट होता है, और ये सिम्टम क्या है, चिल्स, फीवर, बॉडी पेन, शिवरिंग, और हो सकता है कि रात में टेम्परेचर इंक्रीज हो, दिन में धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, दिन में ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, और रात शाम होते होते धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम है आपके मलेरिया का। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जाता है ये मलेरिया, तो हो सकता है पहले अनीमिया, अनीमिया हो सकता है ना, अनीमिया हो सकता है, ठीक है, हेपेटोमेगाली हो सकता है, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली, ये सब एडवांस स्टेज ऑफ मलेरिया है। क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ मलेरिया, अनीमिया, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ये सब एडवांस कंडीशन ऑफ मलेरिया। व्हाट इज योर अनीमिया, अनीमिया मींस व्हाट, लो एचबी, लो हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन परसेंटेज, ठीक है, हेपेटोमेगाली, हेपेटो लिवर मेगाली, क्या है, लिवर इंफ्लेमेशन, ठीक है, लिवर इंफ्लेमेशन या लिवर डैमेज, स्प्लीनोमिगैली, स्प्लीन इंफ्लेमेशन और स्प्लीन डैमेज, ठीक है, हेपेटोमिगैली एंड स्प्लीनोमिगैली,
ठीक है, तो ये अनीमिया हो सकता है, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, मलेरिया का एडवांस स्टेज है, यानी मलेरिया साथ साथ और भी अपने साथ साथ कुछ और लेकर आएगा ना, आपको मलेरिया तो करेगा ही करेगा, साथ साथ आपके लीवर को ले जाएगा, ले डूबेगा, स्प्लीन को ले डूबेगा, साथ ही साथ आपका ब्लड का जो सेल्स है आरबीसी काउंट है वो क्या कर देगा, एकदम धड़ाम से नीचे गिरा देगा। एचबी काउंट कम नहीं होता, एचबी काउंट कम होना मतलब आरबीसी का ड्रॉप होना, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब ये है कि हमारा आरबीसी यानी हमारे ब्लड का रेड ब्लड कॉर्पसल्स कम हो गया है, क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में ही हीमोग्लोबिन होता है ना, वहीं पे हीमोग्लोबिन होता है, विच मीन्स अगर आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोटोजोअल डिजीज है, हमारा जो प्लास्मोडियम, लास्ट क्लास में हमने देखा था चार स्ट्रेन ऑफ प्लास्मोडियम, वो प्लास्मोडियम आरबीसी को एंटर करके उसको मार डालता है। इस मलेरिया से कौन बच सकता है, जिस इंसान को एक और खतरनाक बीमारी है, जिस इंसान को ऑलरेडी एक खतरनाक बीमारी है, वो इंसान को कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। कौन सा बीमारी हो, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पे, ऐसे इंसान जिसके पास एक, नो नॉट कोरोना प्लीज, ठीक है, कोरोना नहीं है, कोरोना की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा इंसान जो उसको मलेरिया कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक खतरनाक रोग से ग्रसित है, वो कौन सा है बताइए, कम ऑन, इससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, तीनों से हिंट दे दिए, इसी तीनों से, नो नॉट डेंगू, नो ब्लड कैंसर, नो, यस प्लीज, उसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया, उसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया ये क्या है हम बाद में बताएंगे, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, इस नाम से आप लोगों को पता चल सकता है, अनीमिया यानी लो एचबी, लो आरबीसी। सिकल सेल क्या होता है, सेल नॉर्मल सेल है, सिकल क्या होता है, सिकल आप सोचो कि आप लोग गांव में, अगर गांव घर में कोई रहता होगा तो सिकल उसके पता होगा कि सिकल क्या होता है, अगर 9th स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस पढ़ा होगा तो सिकल पता है उसको, हाँ आरबीसी सिकल सेल का हो जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें, अगर कोई 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा है, या फिर हाँ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट शायद है ना, एग्रीकल्चर का कोई चैप्टर है, तो अगर वो पढ़ा है तो उसको ये पता है कि सिकल क्या होता है, हसुआ, तो ना काटते हैं हसुआ, उसको हम कहते हैं सिकल, क्या कहते हैं सिकल, उसका डंटी होता है और हमारा हसुआ कुछ इस तरह से होता है, इस पे धार होता है ना, तो हमारा आरबीसी क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं दिख रहा, दिख रहा है, आरबीसी क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह के शेप का हो जाएगा, यानी हमारा आरबीसी का शेप चांद जैसा टुकड़ा जैसा हो जाएगा, है ना, इस तरह का हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सिकल, इसको हम कहेंगे सिकल टाइप, या मून चांद की तरह, आधा मून, या आधा भी मून नहीं है, 25% ऑफ मून, ठीक है, इस तरह से शेप हो जाएंगे, उसको कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। ये हमारे सिकल सेल एनीमिया कुछ और कारण की वजह से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वी आर कमिंग बैक टू योर मलेरिया, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट को ये मलेरियल डिजीज होना लगभग ना के बराबर है, ठीक है, उसको नहीं हो सकता, वो बच सकता है इससे, ठीक है, या फिर इसके बाद सिकल सेल अनीमिया हो गया तो बच ही जाएगा आराम से, है ना। नाउ ये सिकल सेल अनीमिया को मारिए गोली, हटाइए इसको, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारा मलेरिया है ये कैसे कॉज करता, फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देख लिया, ट्रांसमिशन कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन इन डिटेल। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसका जिस्ट बताया था कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स, जीनस प्लास्मोडियम एंड देयर डिफरेंट स्ट्रेन्स। कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाफट। ओके ओके ट्रांसमिशन देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे सर दिलबर और सुमन, अंबुज सर दिलबर सुमन सुमन यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आए हैं, सो देख लीजिए अटेंडेंस का क्या है। ठीक है, आई होप आपको सुनाई दिया होगा। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होते हैं ये मलेरिया, ठीक है कैसे ट्रांसमिट होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सो पहला तो ये दो स्टेज में डिवाइडेड है, जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था, दो स्टेज में डिवाइडेड है। एक लाइफ साइकिल होता है प्लास्मोडियम का ह्यूमन बॉडी में, दूसरा लाइफ साइकिल होता है प्लास्मोडियम का मस्किटो के गट में। ठीक है, सो दो यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है दो प्रोसेस है। लेकिन ट्रांसमिशन मतलब फैलना, कैसे फैलता है, तो पहले ये मस्किटो के वजह से फैलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन इसका जो ट्रांसमिशन है, सो हमने बताया दो तरह से होता है, एक है ह्यूमन इसका होस्ट है, इसका दो होस्ट है, एक ह्यूमन एक मस्किटो। मस्किटो जो होस्ट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट, ये क्या है प्राइमरी होस्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी होस्ट कहेंगे, और ये क्या है ये सेकेंडरी, प्राइमरी वेक्टर नॉट होस्ट, प्राइमरी वेक्टर है और ये सेकेंडरी वेक्टर है, सेकेंडरी कैरियर। ठीक है, प्राइमरी यानी पहले इसको अटैक, यहां पे स्पोरोजॉइट बनते हैं फिर आकर ह्यूमन में अटैक करते हैं, है ना, पहले इसमें स्पोरोजॉइट बनते हैं फिर ह्यूमन में आकर अटैक करते हैं। नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड यानी ग्रोथ पीरियड इसका, ठीक है डेवलपमेंट पीरियड। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन, यस कोई हमें बता सकता है, मुझे नहीं पता है, कोई हमें बताएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है, प्लीज जल्दी बताइए, भूल गए हम। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग सोचिएगा, सोच के मुझे बताइएगा, ठीक है कि मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सच में हमें तो भूल गए, हमें याद ही नहीं आ रहा है क्या होता है। लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम, आई होप आई गेस आपको सबको ये इंक्यूबेशन का मतलब पता होगा, ठीक है क्योंकि हम ऑलरेडी ये इंक्यूबेशन का मतलब बता चुके हैं। ठीक है, नहीं पता है तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे कि इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम 24 डेज, इज दैट सो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सॉरी। लाइफ साइकिल यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ आंसर आएगा हम उसको मान लेंगे कि वही है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम दो स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी, दूसरा गट ऑफ मस्किटो, गट ऑफ मस्किटो, गट ऑफ मस्किटो, हम दो स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसमें जो भी होता है प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हो या फिर आपको फीमेल बॉडी में हो, ठीक है फीमेल बॉडी यानी मस्किटो में हो, तो ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फीमेल बॉडी में क्या होता है फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, विच वी कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, क्या आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है फ्रॉम, इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो वेरी करता है, अलग अलग प्लास्मोडियम का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, कुछ 12 दिन है, कुछ सॉरी नहीं बताएंगे, ठीक है ह्यूमन, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ हम बात करेंगे पहले ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग गट ऑफ मस्किटो में जाएंगे। ह्यूमन बॉडी में पहले, ठीक है ह्यूमन बॉडी में आप लोग क्या करिए, आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए, अपना अपना एनसीईआरटी का बुक क्या करिए खोल लीजिए। ठीक है, हम एक मिनट टाइम देते हैं, जल्दी से एनसीईआरटी का बुक खोल लो, उसमें वो मलेरिया का जो साइकिल है उसका पिक्चर निकाल लो। ठीक है,
पिक्चर निकाल लिया, चलो खुला है, बहुत बढ़िया। पहले क्या होता है, पहले ह्यूमन में होगा, यानी आपके पिक्चर में उसमें डायग्राम बनाया होगा, एक हाथ का, एक हाथ का बनाया होगा, फिंगर है यहाँ पे, ठीक है, एक हाथ है यहाँ पे, मच्छर जो है काट रहा है, ठीक है, इस तरह से बनाया होगा। फिर कहाँ पर क्या बनाया होगा, लिवर होगा वहां पे, ठीक है, लिवर होगा, लिवर, राइट। तो ये हाथ में जैसे मच्छर काटता है, ये पास करता है, वो सेल कहाँ पे, लिवर पे पास करता है। लिवर पे पास करने के बाद, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं इनोकुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इनोकुलेशन, यानी डालना, स्पोरोजॉइट डालना हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं इनोकुलेशन। ये इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, ये सारे टर्म आपने बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ठीक है, जो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है दिल्ली वाले क्लास में, दिल्ली वाले बैच में, तो शायद वहां पे सर लोगों ने आपको इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन के बारे में बताया होगा। इनोकुलेशन किसको कहते हैं, इंक्यूबेशन किसको कहते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट टिश्यू कल्चर या किसी भी टिश्यू कल्चर में ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है, ठीक है, इनोकुलेशन और इंक्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सलाइवा, हमारे जो मस्कीटो के सलाइवा में होते हैं, ठीक है, पहले मस्कीटो के सलाइवा में आपको जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो कहां एंटर करेंगे, वो एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन में एंटर करेंगे। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद आपको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद ये ब्लड जहां जहां मूव करेगा वहां वहां ये जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपको लिवर में। स्पोरोजॉइट क्या करेगा, स्पोरोजॉइट आपको सलाइवा से क्या रिलीज हुआ है, यहाँ पे सलाइवा से रिलीज हुआ है स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट रिलीज हुआ है। ये स्पोरोजॉइट कहां जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ये ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये क्या होता है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेन्केमा सेल्स, यानी हमारे लिवर में जाएगा, उसके बाद बोन मैरो में जाएगा, उसके बाद स्प्लीन में जाएगा, ठीक है, बोन मैरो में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, उसके बाद आपको लिवर में जाएगा। कितने देर में पहुंचता है ये, ब्लड में जैसे पंक्चर किया उसके कितने देर में ये लिवर तक या स्प्लीन तक या बोन मैरो तक पहुंच जाता है, आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर ये पहुंच जाता है अपने टारगेट साइट पर, यानी लिवर, स्प्लीन या बोन मैरो पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सो मान लीजिए कि हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लीजिए फटाफट से, हम इसको यहाँ पे बड़ा सा एक साइकिल बनाते हैं, इसको मिटा दीजिए फटाफट से जल्दी से। हो गया, चलो तो ये स्पोरोजॉइट, सो यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट कहां पे एंटर किया है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया है, कहां पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर ये कहां से गया, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते ही ये गया तीन जगहों पर जा सकता है, विद इन 15 to 20, या हाफ एन आवर मिनट, विद इन हाफ एन आवर, नॉट हाफ एन आवर मिनट, अब विद इन हाफ एन आवर। तो पहले जाएगा ये लिवर में, हो सकता है साइमल्टेनियसली, ये कहां जा रहा है, पैरेलली ये जा रहा है बोन मैरो में, बोन मैरो में जा रहा है, फिर ये जा रहा है स्प्लीन में, कहां जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है। तीन ऑर्गन है, तीन हमारे ऑर्गन है बेसिक इसके टारगेट, उसके बाद सेल्स टारगेट करेगा, ये पहले ऑर्गन को टारगेट कर रहा है यहां, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये पहले लिवर में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। अब क्या होगा यहां पे, सो ये मान लीजिए कि हमारा लिवर है, लिवर में ये लिवर इस तरह से होता है, दो लोब हैं इसका, राइट और लेफ्ट लोब, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के बाद, इसमें एंटर करने के बाद, क्योंकि ब्लड वेसल्स है, ये एंटर किया, एंटर करने के बाद यहां पे क्या होंगे, नेक्स्ट इसका प्रोसेस होगा ग्रोथ, नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या होगा, ग्रोथ, यानी यहां पे अब ग्रोथ होगा, इसका डेवलपमेंट होगा स्पोरोजॉइट का, ठीक है, स्पोरोजॉइट क्या होगा, यहां पे डेवलप होगा। सो स्पोरोजॉइट अब इसके अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये डेवलप होगा,
यानी ग्रोथ होगी, इसके सारे नरिशमेंट इसको मिलेंगे, इसको सारे नरिशमेंट यानी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हमारे आस पड़ोस से क्या करेगा, ये सारे नरिशमेंट को ये हासिल करेगा, ये डेवलप करेगा और ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है और ये ग्रो करने के बाद, ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, अच्छा चलो ये किसको अटैक करता है, किसको अटैक करके ग्रो करता है, ये लिवर सेल को अटैक करके ग्रो करता है। करेगा हेपेटोसाइट्स को अटैक करेगा, दिखाई दे रहा है, नहीं चलो ब्लैक से लिखते हैं, इंक खत्म हो गया। ठीक है, ये हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स को अटैक करेगा, ठीक है, हेपेटोसाइट्स को, और फिर ये पहले क्या करेगा, डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, फिर ये यहां पे डेवलप करने के बाद रप्चर कर जाएगा, क्या कर जाएगा, हेपेटोसाइट्स को ब्रेक करके, रप्चर करके या बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, लिवर सेल में आया, लिवर सेल में ये अटैक किया, और लिवर सेल में हमारे, हमें पता है क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, कुछ इस तरह से दिखते होंगे हेपेटोसाइट्स, बोलो हाँ या ना, हमने ही पढ़ाया था छपरा में, बेगूसराय में भी हमने पढ़ाया था ये बात, बोलो हाँ या ना, कुछ हमारे जो हेपेटोसाइट्स है इस तरह से दिखते हैं, अंदर में ग्लोब्यूल बनते हैं, आई मीन पॉलीगोनल शेप का, यस, और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, साइनसॉइड्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे सेल के अंदर एंटर करके क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, हेपेटोसाइट में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड एंटर करेगा कि नहीं एंटर करेगा, एंटर करता है, ब्लड एंटर करता है, और उसके बाद कनेक्टेड रहते हैं, सो क्या होगा, यहीं पे आपको क्या होंगे, हमारे टफर सेल्स होंगे, ये सब सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लिवर पढ़ा था उसमें, ये सब हमने बताया था आपको, ये बताया था, एक सेकंड पानी पी लेते, ठीक है। तो वहां पे जाकर ये अटैक करेगा और अटैक करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये जो हाइपर, अब ये जो हाइपर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, यहां पे ग्रो हो रहे हैं, ग्रोथ के वक्त क्या होंगे, हेपेटोसाइट्स में हाइपर मल्टीप्लिकेशन होंगे, उस वक्त उस पर्टिकुलर सेल को जो यहाँ पे हाइपर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो हाइपर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम इसको कहते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट, क्या कहते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपर मल्टीप्लीकेशन हो गया हम उसको कहते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। और कितना मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे, अराउंड 500 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 500 यहाँ पे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, अराउंड 500 टू 1000 के करीब यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट बन जाएंगे, और फिर ये रप्चर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको परफेक्टली क्लियर है, यस क्लियर है। उसके बाद ये रप्चर होने के बाद ये क्या होंगे, रप्चर होने के बाद हमारे क्रिप्टोमीरोजॉइट रिलीज हो जाएंगे, रिलीज ऑफ क्रिप्टोमीरोजॉइट। एक टर्म आपको बता देते हैं, इसके पहले एक टर्म आता है मीरोजॉइट, इसके पहले एक टर्म आता है मीरोजॉइट, यानी जब अटैक करता है, ठीक है, नॉर्मल एक सेल, ठीक है, अब वो मल्टीप्लीकेशन होने लगेगा, तो मल्टीप्लीकेशन से पहले उसको हम कहेंगे मीरोजॉइट। अब ये मीरोजॉइट जब हाइपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, अराउंड नॉट 500, हम यहाँ पे थोड़ा सा और डेटा बढ़ा देते, 800 कर देते, 800 टू 1000 हो जाएगा, हम उसको कहेंगे क्रिप्टोमीरोजॉइट मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या होगा, क्रिप्टोमीरोजॉइट जब रप्चर हो जाएगा, क्रिप्टोमीरोजॉइट बाहर निकल आएगा, ठीक है, क्रिप्टोमीरोजॉइट यहाँ पे बाहर निकल आएगा, रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा, ठीक है, अब ये दूसरे हेपेटोसाइट को, ये दूसरे हेपेटोसाइट को क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा, एक क्या करेगा, दूसरे हेपेटोसाइट को जाकर अटैक करेगा, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा एंटर करेगा साइनसॉइड में, दूसरा एंटर करेगा साइनसॉइड में, लिवर सेल के साइनसॉइड में। आपने पढ़ा है लिवर सेल का साइनसॉइड, पढ़ा है लिवर सेल का साइनसॉइड, लिवर सेल का साइनसॉइड, तो ये साइनसॉइड में एंटर करेगा, ठीक है, साइनसॉइड में एंटर करेगा। चलो हम यहां पे पहले साइनसॉइड के बारे में बता देते हैं,
ठीक है, हमारे जो हेपेटोसाइट है, ये हमारे हेपेटोसाइट है सेंटर में होता है, जो इसको सेंट्रल वेन यहां से ले जाता है और इसके चारों कोने पर क्या होते हैं, तीन तीन वेजल्स होते हैं, है ना, तीन तीन वेजल्स होते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साइनसॉइड। ये जो ये है ना वो पाथवे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइनसॉइड। ये हेपेटिक सेल है, ये क्या है, ये हेपेटिक सेल है, ये ग्लोब्यूल, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे सेल्स, बोलो हाँ या ना। ये है साइनोसॉइड, ठीक है, ये साइनोसॉइड और यहाँ पे सेल्स है। अब ये क्या करेगा, यहां से रप्चर होकर सेल्स के अंदर घुस जाएगा, साइनोसॉइड के अंदर घुस जाएगा, साइनोसॉइड इसके अंदर एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो फिर यहां पे जाएगा ये, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये इंटरनल मूव करते हैं और हमारे लिम्फेटिक वेसल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं। हमने बताया था, याद करिए, जाके घर पे रिवाइज करिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, तो ये ब्लड में यानी हमारे साइनसॉइड में एंटर कर गया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हमारे इस पॉइंट पर आपको ये कॉपी कर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद हम एक और चीज आपको आरबीसी के बारे में बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, आरबीसी में कैसे रप्चर करता है। हो गया, कैप्चर कर लिया आप लोगों ने, चलो सो यहां पे क्या है, हमारे क्रिप्टोमीरोजोइड बन चुके हैं, क्रिप्टो मीरोजोइड, ये क्रिप्टोमीरोजोइड बन गए हैं, तो ये हेपेटिक सेल्स को अटैक कर रहे हैं, दूसरे हेपेटिक सेल्स को क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं, हेपेटिक सेल्स को ये अटैक कर रहे हैं, हेपेटिक सेल्स को अटैक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको मेटाक्रिप्टोजोइड। ये यहाँ पे हेपेटिक सेल में अटैक करने के बाद यहाँ पे भी इसको फीडिंग होगा, नरिशमेंट होगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, और फिर हम उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेटाक्रिप्टोजोइड, मेटा क्रिप्टोजोइड, ठीक है, क्या करेंगे इसको, यहाँ पे कहेंगे इसको मेटा क्रिप्टोजॉइट, फीडिंग स्टेज, ठीक है। फीड होने के बाद मेटा क्रिप्टोजॉइट हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो मेटा क्रिप्टोजॉइट है, अब ये मेटा क्रिप्टोजॉइट इज कन्वर्टेड इनटू टू टाइप, वन इज माइक्रो माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड। याद करिए, हमने ये बताया था कि मीरोजॉइड किसको कहते हैं, जैसे एंट्री करता है उसको कहते हैं मीरोजॉइड, है ना, और ये क्या बन गया, क्रिप्टो मीरोजॉइड, अगेन ये बन गया है नरिशमेंट के बाद, ये क्या बन गया, अगेन ये क्रिप्टो मीरोजॉइड बन गया है, लेकिन क्योंकि ये दूसरे हेपेटिक सेल्स को अटैक किया है, ये मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड है, और ये दो तरह के मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड बनते हैं, एक माइक्रो यानी स्मॉल साइज और एक होता है मैक्रो यानी लार्ज साइज। माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फीड होगा, माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइट को भूल जाइए, यहां पे अब क्या होगा, अब ये फीडिंग होगा, राइट, क्या होगा, फीडिंग होगा, फीडिंग होने के बाद, यहां पे फीडिंग होने के बाद अराउंड 800 800 टू 1000 यहां पे मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट बनते हैं। उसके बाद ये पास करते हैं नेक्स्ट हमारे आरबीसी में, कहां पास करते हैं, ये पास करते हैं आरबीसी में,
आरबीसी में पास किए, ये आरबीसी में पास करने के बाद ये कहां एंटर करते हैं, आरबीसी में पास करने के बाद हमारे आरबीसी के सेल्स पे एंटर करते हैं और यहाँ पे फर्दर अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोसेस को क्या कंटिन्यू करेंगे, ये डिफरेंट स्टेजेस में पास करेंगे, ठीक है। आरबीसी में आरबीसी के साइटोप्लाज्म को क्या करेंगे, पहले तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म को सबको अट्रैक्ट करके सारा न्यूट्री नरिशमेंट उसका ले लेंगे, डेवलप करेंगे, अपना पहले साइज शेप चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन करेंगे आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में जाने के बाद ये आरबीसी है, इसके अंदर ये अपना पहले तो शेप चेंज करेगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, शेप चेंज करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से शेप बनाएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको शेप बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बहुत सारे छोटे 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 यहाँ पे छोटे छोटे क्या बनाएंगे, छोटे छोटे यहाँ पे ग्रोथ कराएगा मल्टीप्लीकेशन होने के बाद, है ना। अब ये जो हमारे छोटे छोटे जो यहाँ पे सेल्स बन रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे मीरोजॉइड, फिर से क्या कहेंगे, मीरोजॉइड। और क्योंकि आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन को भी ये तोड़ेगा। आरबीसी में पहले क्या करेगा, एंटर करते ही सारा साइटोप्लाज्म का नरिशमेंट वगैरह लेगा, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज मतलब सेल्स अपना शेप चेंज करेगा, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होगा उसको तोड़ेगा, हीमोग्लोबिन के तोड़कर क्या बनाएगा, हीमोजोइन बनाएगा, हीमोजोइन, और हीमोजोइन लास्ट में रिलीज हो जाता है बाहर, ठीक है, हीमोजोइन बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये क्या होगा, अपना डिफरेंट डिफरेंट शेप चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद मीरोजॉइड और हीमोजॉइन बनेगा इसके अंदर, और फाइनली ये रप्चर हो जाएगा, हीमोजॉइन और मीरोजॉइड बनाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा, रप्चर यानी ब्लास्ट करके बाहर ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यहां पे बाहर रिलीज हो गया, ठीक है, मीरोजॉइड और हीमोजॉइन। ये जो हमारा हीमोजोइन है, ठीक है, इसी के वजह से हमें जाड़ बुखार आता है, यही वो रीजन है जिसके वजह से जाड़, यानी चिल्स एंड फीवर जिसको हम कहते हैं, ठंडा करके जो फीवर आता है, ठंड लग के, ठीक है, तो वो होता है इस हीमोजोइन के वजह से, ठीक है। तो हीमोजोइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद ये जो मीरोजॉइड है, ये कहां एंटर करेंगे, ये मीरोजॉइड एंटर करेंगे हमारे दूसरे आरबीसी सेल्स में, कहां पे एंटर करेंगे, दूसरे आरबीसी सेल्स में, ये जाएंगे स्प्लीन में, ठीक है, ये जाएंगे बोन मैरो में, ठीक है, कहां जाएंगे, बोन मैरो में, स्प्लीन में, लिवर में, लिवर में जाकर ये स्टोर हो जाएंगे, लिवर में जाकर ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होगा, ये दोबारा से अपना एक्टिविटी लिवर सेल में शुरू कर देंगे, क्योंकि लिवर सेल से ही शुरू करना है, हेपेटिक सेल को ही पहले अटैक करना है, तो जाकर कुछ मीरोजॉइड क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, कहां पे स्टोर हो जाएंगे, ये स्टोर हो जाएंगे लिवर में, स्प्लीन में। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है लिवर में, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर अपना आगे का प्रोसेस करने लगेंगे, ठीक है। तो ये है मीरोजॉइड, ऑलराइट। अब क्या होगा, मीरोजॉइड जैसे ही यहां पे बने, कुछ तो लीवर में गए, कुछ स्प्लीन में गए, और कुछ क्या किए, कुछ बनाए गैमेटोसाइट, कुछ बनाए यहां पे, कुछ गए लीवर में, कुछ गए स्प्लीन में, और कुछ बन गए गैमेटोसाइट, क्या बन गए, गैमेटोसाइट। जो लीवर और स्प्लीन में गए, वहां पे अगर इम्यून सिस्टम कम हुआ तो वापस से क्या हो गया, सिजोगोनी अचीव कर लिया, यानी हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोलिफरेशन अपना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जो गैमेटोसाइट बनते हैं, अब इनका नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, यानी गैमेटोसाइट जब बनते हैं, यहाँ पे दो तरह के गैमेटोसाइट बनते हैं, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो होता है, माइक्रो जो होता है वो क्या होता है, वो मेल होता है, और मैक्रो होता है फीमेल। माइक्रो मेल होता है और मैक्रो क्या होता है, फीमेल। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट यहाँ पे बने हैं, ठीक है, गैमेटोसाइट जो यहाँ पे बने हैं, ये गैमेटोसाइट क्या होते हैं, एक होते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट, दूसरे होते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट। मैक्रो गैमेटोसाइट मेल गैमेटोसाइट को कहते हैं, और मैक्रो गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट को कहते हैं, ठीक है।
क्या कहेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। हमारे जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में ध्यान से देखिएगा, तो पहले हाथ काटेगा, हाथ के अंदर रप्चर करेगा, स्पोरोसाइट उसके अंदर जाएगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, लिवर सेल्स को अटैक करेगा, लिवर सेल को अटैक करने के बाद फिर वो जाएगा कुछ लिवर सेल को अटैक करने के बाद आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी को अटैक करेंगे और आरबीसी से निकलकर कुछ लाइफ साइकिल को रिपीट करेंगे और फिर दूसरा क्या करेगा, गैमेटोसाइट बनेगा। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिया होगा। फिर जो गैमेटोसाइट बन रहा है, एक गैमेटोसाइट मेल होगा, दूसरा गैमेटोसाइट फीमेल होगा, और मेल एंड गैमेटोसाइट दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहीं तक ह्यूमन का लाइफ साइकिल हो जाता है खत्म। ह्यूमन में आपका जो प्लास्मोडियम का लाइफ साइकिल है ये यहीं पर हो जाता है समाप्त। उसके बाद हमारे ब्लड में क्या है, मान लीजिए मुझे मलेरिया, मच्छर, मलेरिया कैरियर मच्छर ने काट लिया है, एनोफिलिस मस्किटो ने काट लिया मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे आके चुभो लिया क्योंकि बाकी सब तो ब्रेस्ट है, यहाँ पे काट लिया। जब यहाँ पे मच्छर यहाँ पे गाल पे ही बैठा, मच्छर जैसे गाल पे बैठा हमारे लीवर के पास गया वो, और वो मल्टीप्लाई होकर गैमेटोसाइट तक बन गया। गैमेटोसाइट तक बनने के बाद हमारे बॉडी में क्या रहता है, वो गैमेटोसाइट स्टोर रहता है कई कई बार, ये कई कई दिनों तक ये स्टोर रहता है, ठीक है, कई कई दिनों तक स्टोर रहता है। उसके बाद एक और मच्छर आता है, दूसरा कोई मच्छर है, मान लो कोई दूसरा मच्छर है, वो मच्छर नहीं, सेम मच्छर नहीं, दूसरा कोई मच्छर है, वो आता है और काटता है हमें, ठीक है, यहाँ पे इस बार इस तरफ काट रहा है या इस तरफ कहीं भी काट रहा है। काटने के बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा। पहले वाला जो मच्छर आया था अपने सलाइवा को स्पिट किया, उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस था, ब्लड ब्लड लिया और निकल गया, ठीक है, उसने स्पोरोसाइट डोनेट किया। ये क्या करेगा, ये जब मच्छर आएगा तो हमारा ब्लड को जब चूसेगा, जब सक करेगा, तो साथ ही साथ ब्लड में जो प्रेजेंट है माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट उसको लेकर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी तक हमारे बॉडी में ये माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट था, दूसरा मच्छर आया, उसने खून चूसा और वो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट दोनों वो लेकर चला गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा कहां पे, मस्किटो में, फीमेल के गट में होगा दूसरा प्रोसेस। यहां तक सबको समझ में आ गया, सबको यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, इसका फोटो वोटो लेना है ले लो। हो गया, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये मलेरिया का स्पोरोजॉइट अंदर, सॉरी स्पोरोजॉइट का स्पेलिंग शायद मैंने ऊपर गलती लिखा था, आई लिख दीजिएगा, जेड जेड ओ आई, ठीक है, स्पोरोजॉइट एस पी ओ आर ओ स्पोरो जेड ओ आई टी ई स्पोरोजॉइट, ठीक है, चलो। तो अभी तक ये एक चीज खत्म हुआ, तो मान लीजिए कि मच्छर ने आपको काटा, मच्छर काटने के बाद वो लीवर में गया, स्पोरोजॉइट हमारे लीवर में जाकर हेपेटोसाइट्स को क्या किया, हेपेटोसाइट्स को अटैक किया, हेपेटोसाइट्स को अटैक करने के बाद वो हेपेटोसाइट्स क्या हुआ, ब्रेक हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद ब्रेक हुआ, वहां से कुछ निकले और वो दूसरे हेपेटोसाइट को ब्रेक किए, फिर वहां से क्या हुए, मान लीजिए कि उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहेगा, उसके बाद वो आरबीसी में एंटर कर रहा है, आरबीसी में एंटर करने के बाद आरबीसी का भी नरिशमेंट वगैरह सब वो ले रहा है और फिर वो डेवलप हो रहा है और डेवलप होकर फाइनली रप्चर हो जा रहा है। वहां पे जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में वो भी ब्रेक हो रहा है, तो हीमोजोइन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, दोनों यहाँ पे हो गए रिलीज, आरबीसी रप्चर हुआ, रिलीज हो गया। तो यहाँ पे आरबीसी जब रप्चर होता है तो आरबीसी का काउंट कम होगा, हीमोग्लोबिन का ऑब्वियसली काउंट कम होगा, इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, आरबीसी काउंट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी को रप्चर किया, आरबीसी से ये क्या हुआ, ये ब्लास्ट करके बाहर निकला, ब्लास्ट करके जो बाहर निकला कुछ गया लिवर में, कुछ गया स्प्लीन में और कुछ गया दूसरे, सॉरी कुछ गया दूसरे चीजों में कन्वर्ट होने के लिए, किस में कन्वर्ट होगा, दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट में, ठीक है, एक गया लिवर में, एक गया स्प्लीन में और बाकी गया माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट के फॉर्मेशन के लिए। तो वहां पे बने माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बस यहां तक हो गया ह्यूमन में मलेरिया का लाइफ साइकिल खत्म। आगे बढ़ेंगे, अब क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम
इन द गट ऑफ मॉस्किटो. ठीक है, नाउ क्या होगा? ये मच्छर जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है. अब इसने क्या किया? इसने खून चूस लिया. खून इसने क्या किया? चूस लिया. वेट अ मिनट, वो इंक डाल देते. ठीक है, खून चूसने के बाद क्या करता पता है आपको? खून चूसने के बाद ये सारा खून जाता है डाइजेशन होने के लिए, यानी उसका वो तो फूड है ना. मस्किटो का हमारा खून क्या है? फूड है. हमारे खून में जो नरिशमेंट होता है वो मस्किटो ब्रेक करके अपना खाना बनाता है, अपने एनर्जी के लिए यूज करता है. तो मस्किटो ने खून चूसा, उसका वो खाना है, उसने क्या किया? खून चूसने के बाद क्या किया? उसके पेट में गया, उसके ब्रेक डाउन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए कहां गया? उसके पेट में गया. और वहां पे जाने के बाद ये अपना दूसरा प्रोसेस, दूसरा लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. दूसरा लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होता है. बंद क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, दूसरा लाइफ साइकिल यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट. अब ये दूसरे लाइफ साइकिल में क्या होगा? दूसरे लाइफ साइकिल में होगा कि जैसे ही ये अंदर गया, चला गया पेट में, पेट में जाने के बाद यहां पे मेल एंड फीमेल दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ. क्या होंगे? मेल और फीमेल दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे. ये काम ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है. ये क्यों मस्कीटो के पेट में ही क्यों जाना है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है. तो मस्कीटो का जो गट का जो माहौल है, इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसका जो गट का टेम्परेचर है, वो उन दोनों के फ्यूजन के लिए ऑप्टिमम है. उन दोनों के फ्यूजन के लिए क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है. और इसीलिए और हमारा जो टेम्परेचर है 37 है, और इसका क्या है? अराउंड 22 टू 24 के करीब होता है ना, 22 टू 24 के करीब होता है. और हमारा क्या होता है? हमारा बहुत ज्यादा होता है, 37 होता है, जो कि वहां पे उसके लिए ऑप्टिमम नहीं है. फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए. इस टेम्परेचर में ही फर्टिलाइज करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर में फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, है ना. तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन इसका टेम्परेचर कम रहेगा और यहाँ पे इसीलिए फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. यहां पे अब क्या होगा? मेल यानी माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट यानी फीमेल गैमेटोसाइट एंटर किए, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे. और फर्टिलाइज होने के बाद पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, ये कुछ देर रखना पड़ेगा ऐसे, इसी तभी काम करेगा. तो क्या होगा? यहां पे दोनों फर्टिलाइजेशन होंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद ये गट वॉल के साथ क्या बन जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. और यहां पे फर्टिलाइज्ड ओवम है. ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओवम होंगे. ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम यानी अब ये बन गए जाइगोट. अब ये क्या बन गए? जाइगोट बन गए. ठीक है, और जाइगोट क्या होगा? धीरे धीरे डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद अपना शेप चेंज करेगा और बन जाएगा स्पोरोजॉइड. क्या बन जाएगा? स्पोरोजॉइड बन जाएगा. और उसके बाद ये यहां से क्या होगा? रप्चर होगा. यहाँ पे क्या होगा? ये रप्चर होगा इसका वॉल. यानी जैसे ही अब्डोमन के पास जाता है, अब्डोमन में फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां पे उसके आउटसाइड में क्या हो जाता है? एक सिस्ट की तरह एक वॉल फॉर्म हो जाता है. फिर अंदर ही अंदर ये मल्टीप्लाई होता है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ये मल्टीप्लाई होता है. और फिर ये क्या हो जाता है? फर्टिलाइज होने के बाद पहले ये जाइगोट अपना शेप चेंज करेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा और बनेगा स्पोरोजॉइड, और वो बहुत थाउजेंड्स अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लीकेशन के बाद ये कहां जाता है? मल्टीप्लीकेशन के बाद ये कहां जाता है? ये मल्टीप्लीकेशन के बाद इंटर कट, उसको हम कहते हैं ऊसिस्ट. ये जो फॉर्म करता है इसको हम कहेंगे ऊसिस्ट.
और ये यहां से ब्लास्ट हुआ अराउंड 10,000 स्पोरोजॉइट यहां पे बन जाते हैं, अराउंड 10,000 स्पोरोजॉइट यहां पे बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा, यहां से सारा स्पोरोजॉइट निकलेगा और आकर इसके सलाइवरी ग्लैंड में बैठ जाएगा, सलाइवा में बैठ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे स्पोरोजॉइट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, स्पोरोजॉइट बन रहे हैं, एलोंगेट होंगे इस तरह से, स्पोरोजॉइट बनेंगे मोर देन 50 to 200 या 2000 यहाँ पे स्पोरोजॉइट पहले तैयार होंगे, है ना, शेप अपना चेंज करके फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मोर देन 10,000 स्पोरोजॉइट यहाँ पे बनेंगे, फिर ये सिस्ट वॉल, ये जो वॉल है ये ऊसाइट का सिस्ट वॉल ऊसिस्ट, ये रप्चर होगा, यहां से बहुत सारे स्पोरोजॉइट क्या होंगे यहाँ पे जाएंगे, कहां पे जाके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, और ये सेम मच्छर अगर किसी दूसरे होस्ट को, यानी आज तो मुझे काट लिया मेरे अंदर से गैमेटोसाइट निकाल कर ले गया, कल किसी और को जाकर चुभोएगा और मेरा जो मेरे बॉडी से जो गैमेटोसाइट निकाला है, ठीक है, और अपने बॉडी में जो स्पोरोजॉइट बनाया है ये उस पर्सन के बॉडी में थूक आएगा, मतलब अपने सलाइवा स्प्रिट करके आएगा और अब उसको मलेरिया कॉज करेगा। ये था लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, समझ में आया, बोलो जी समझ में आया सबको, ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, सिम्टम मुझे हम लोगों को पता है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, नौजिया वॉमिटिंग चिल्स फीवर स्पिंडोमेगाली हेपेटोमेगाली अनीमिया एक्सेट्रा 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 बहुत कुछ होगा, बॉडी पेन हेडेक एक्सेट्रा, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें, मुझे मलेरिया हो गया है, अब हमको ट्रीट कैसे किया जाएगा भाई, कैसे किया जाएगा, मुझे दवा दिया जाएगा एंटी मलेरियल ड्रग, क्या मलेरिया के लिए वैक्सीन बना है, मलेरिया के लिए आज तक वैक्सीन बना ही नहीं है, अब क्यों नहीं बना है, इसके पीछे भी कारण होगा कुछ ना कुछ, है ना, हमें क्या, चलो तो क्या है ट्रीटमेंट, अगर मलेरिया हो गया तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, मलेरिया हो गया ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे एंटी मलेरियल ड्रग दिया जाएगा, क्या यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक काम करेगा, सोचिए शायद नहीं काम करेगा, है ना, आपका आंसर शायद यही होगा कि नहीं काम करेगा, क्योंकि आप जानते हो बैक्टीरियल डिजीज को काम करता है, एनीवेज एंटी मलेरियल ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा, और एंटी मलेरियल ड्रग क्या है, कौन कौन से, अच्छा एक नाम आप लोग जानते हो, एक दवा का नाम आप लोग जानते हो, वो एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल कोरोना में किया जा रहा है, वो क्या है, एक तरह का एंटी मलेरियल ड्रग है, कौन सा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, यस ऑफ कोर्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है, ये एक तरह का एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि कोरोना में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, क्या ये मलेरिया के लिए ड्रग बना है, क्योंकि हमारा जो फैमिली है क्विनिन फैमिली, क्विनिन फैमिली, जो क्विनिन फैमिली है उसी से निकला हुआ एक ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, ये क्या है, उसी से निकला हुआ एक पर्टिकुलर प्राणी फैमिली का एक सदस्य है, ठीक है, क्लोरोक्विन ग्रुप, क्लोरोक्विन इस फैमिली से निकला हुआ ड्रग है वो, ठीक है, या फिर हम कहेंगे प्राइम क्वीन, ठीक है, ये कहां से निकाला जाए, ये भी क्या है, ये भी एल्कलॉइड है, ये भी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग भी एल्कलॉइड है, ये मतलब प्लांट सोर्स से निकाला जाता है, तो हम इसका एल्कलॉइड कह सकते हैं क्या, ठीक है, चलो प्लांट सोर्स से निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, ये चिनकोना, चिनकोना सुना है, चिनकोना नहीं सुना है तो जाकर पढ़ी सर्च करिए, चिनकोना क्या होता है, बहुत ही फेमस चीज है ये चिनकोना, चिनकोड़ा का पेड़, यस 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 यस, तो चिनकोना के बार्क से ये क्या किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है, चिनकोना के बार्क यानी उसका जो छाल होता है, चिनकोना प्लांट का जो छाल होता है उस छाल से इस ड्रग को बनाया जाता है, ठीक है, तो ये प्लांट सोर्स है, क्योंकि हम इसको एल्कलॉइड कह सकते हैं, सोचिएगा, ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट,
हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ना कि मलेरिया हमें हो ही ना, ओडोमोस, ओडोमोस लगा सकते हैं अपने बॉडी में, मस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में कहीं भी पानी जमा ना रख सके, पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ सुथरा रखें, हमारे आस पड़ोस में हमेशा क्या करते रहें, मस्किटो जो स्मोक होता है रिपेलेंट स्मोक, यानी हमको कहते हैं क्या कहते हैं पेस्ट कंट्रोल, या हम कह सकते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाना है ना, पेस्टिसाइड का पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, उसके बाद धुआं मच्छर भगाने वाला जो धुआं होता है उस धुआं को लाते हैं, यस वो सब हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे आस पड़ोस में जो ड्रेनेज है उसको बंद रखिए, क्लोज रखिए, घर का सेप्टिक टैंक क्लोज रखिए, नाला नाली वगैरह सबसे दूर रहिए, ठीक है, उसको साफ अपने आस पड़ोस में सराउंडिंग को साफ सुथरा रखिए। मोस्टली आपके घर में जितने भी विंडो हैं तो सारे विंडो में जाल लगाइए, मच्छर वाला जाल लगाइए, ऐसे जाल नहीं लगाइए जिसमें मच्छर क्या मक्खी भी घुस जाए, मक्खी मच्छर से बड़ा होता है वो भी घुस जाए, ऐसा जाल लगा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सारे कीड़े भर जाएंगे अंदर। मच्छर वाला जाल लगाइए जिससे कि मच्छर ना एंटर कर सके, तो विंटर के मौसम में या रेनी सीजन में, विंटर के मौसम में मोस्टली और रेनी सीजन में आपके कोई कीड़े नहीं आएंगे, कीड़े भी नहीं आएंगे अगर ऐसा जाल ही लगाया। तो ये बहुत बड़ा उपाय है, आप लोग घर पे जब घर बना रहे हैं या फिर घर बन चुका है तो उसमें भी जाली लगवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाली लगवा सकते हैं, ठीक है, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। क्लियर है। तो ये था मलेरिया, क्या था मलेरिया। अब मलेरिया के साथ साथ और भी कई सारे डिजीजेस हैं, है ना, जैसे फिलेरिया, फलेरिया है, फलेरिया हो गया है, एलिफेंटाइटिस, है ना, उसके बाद जैसे गोनोरिया और बहुत सारे डिजीज है जो आपके मुंह पे दिया होगा, एस्कैरियासिस, एक एस्कैरियासिस दिया होगा, ठीक है। तो ये सब डिजीज है। आप क्या करिएगा, सिंपल सा काम आप लोगों को करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल सा काम करना है जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। क्या करना है, एक टेबलर कॉलम बनाइए। मुझे हर किसी ने नहीं भेजा है इसका होमवर्क, हमने बताया था, हर किसी ने नहीं भेजा है मुझे, ठीक है। आज जो नहीं भेजा है वो भाई भेज दो, क्या अपने पास रखो, लेकिन ये काम कर लो, ठीक है। आप लोग भलाई के लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भलाई, क्योंकि पिछली बार आप याद रखिए 2020 में जो एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे, कई सारे नहीं, शायद एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। सोचो एक दो क्वेश्चन भी एक चैप्टर से, एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एक टेबलर कॉलम से अगर आ जाता है तो कम में ज्यादा स्कोर 8 नंबर का स्कोर कर सकते हैं आप लोग, और मायने रखता है 8 नंबर आपके टेस्ट में, ठीक है। दो क्वेश्चन सही होना मायने रखता है, और दो क्वेश्चन गलत होना ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो इसीलिए क्या करिए, वो टेबलर कॉलम बनाइए, उसमें से क्वेश्चन आते हैं भाई, लिख कर देते हैं, हर बार उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी 2021 में भी आएंगे उससे क्वेश्चन, गारंटीड, ठीक है। तो टेबलर कॉलम बनाइए और क्या लिखिए उसपे, उसपे लिखिए डिजीज का नाम, लिखिए पॉजिटिव एजेंट, लिखिए सिम्टम, लिखिए ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, दवा, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स लिखिए, ये 5 चीज लिखिए, ठीक है, पहला डिजीज, दूसरा पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम, यस ड्रग्स, कौन सा ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, और लास्टली लास्टली क्या लिखना है आपको, लास्टली लिखना है कि प्रिवेंटिव मेजर क्या है, ये 5 चीज लिखिए, बैक्टीरियल का, वायरल का, फंगल का। पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक में जितना है डिजीज उस सब का लिखिए 5ों, ठीक है। कम्युनिकेबल इंफेक्शियस डिजीज का लिखिए, फिर नॉन इंफेक्शियस डिजीज का लिखिए, ठीक है, ये दोनों चीजें लिखकर पहले एनसीईआरटी का कंप्लीट करके फिर बाकी एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा जो डिजीजेस है उनके बारे में लिखिए, जो कि कॉमन है, जो आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, ये सब के बारे में आप लोग लिखिए, ठीक है। लिखकर मुझे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई चेक करने के लिए, अगर नहीं तो फिर अपने पास रखो, उसको पढ़ो, ठीक है, उसको क्या करो, पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको बनाओ और पढ़ो। देखो भाई हम बार बार बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम इसको रट रहे हैं कि आप लोग प्लीज ऐसा टेबलर कॉलम बनाइए और बनाकर अपने दीवार पे चिपका दीजिए, अपने घर पे चिपका दीजिए, अपने नोटबुक पे
आगे रखिए, डिजीज चैप्टर के एनसीईआरटी के बुक में आगे पिन करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, जब जब उसको देखेंगे याद हो जाएगा, याद रहेगा और ये आएगा जरूर। आप नोटबुक में लिखिए, पेपर में लिखिए, शीट में लिखिए, जहां लिखना लिखिए, ठीक है। लेकिन ये लिखिए और लिखकर इकट्ठा कलेक्ट करिए और इससे क्या हो जाएगा, आधा आपका काम खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक का 3 से 4 पेज इसमें कवर हो जाएगा। ऑल राइट, तो होमवर्क ये है, डिजीज का नाम, सिम्टम, पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम, ये सब चीजें लिखिए। उसके बाद क्या लिखिए, उसके बाद आपको लिखना है ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स। ये पांचों लिखकर, ठीक है, पांचों लिखकर टेबुलर कॉलम बनाइए। पहले इंफेक्शियस डिजीज का, फिर नॉन इंफेक्शियस यानी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसके बाद डिजेनरेटिव डिजीज का, जैसे बीपी हो गया, बीपी का क्या कॉज है वो लिखिए। पॉजिटिव एजेंट उसका नहीं है लेकिन कॉज लिखिए, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन बीपी की वजह से हो रहा है, डायबिटीज लिखिए, डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में वो लिखिए, एसटीडी के बारे में लिखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनेरिया, जेनिटल हर्प्स, सिफिलिस, एचआईवी, ये सब के बारे में लिखिए। क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था 2020 में, याद करिएगा 2020 में ये भी एक क्वेश्चन था एसटीडी से। हमने ऑलरेडी एक बार बताया था आपको एसटीडी के बारे में और देखिएगा अगले संडे को टेस्ट हुआ और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये पता है कि क्या आ सकता है, ठीक है। हम चीजों को क्या कर सकते, प्रेडिक्ट, एक टीचर चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो ये काम करिए आप लोग, ठीक है, काम करिए और फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे। ये काम करके मुझे भेजिए और आई होप आप लोगों को मलेरिया से जो भी मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो काफी है, ठीक है, वो चीजें आप लोगों ने नोट किया हुआ है, यस। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। कल का टेस्ट बहुत बेहतरीन गया था, है ना, लेकिन कल का टेस्ट का पेपर, टेस्ट पेपर हम भेज देंगे, वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, कि कैसा है, आप टेस्ट देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन देखकर लगेगा कि आपको कितना लेवल तक प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अभी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, प्रिपरेशन करना क्या रह गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, और हाँ आगे आने वाले अवंती टेस्ट के लिए भी पढ़िए जरूर। 27 को होने वाला अवंती टेस्ट है, उसको भी, उसके लिए भी पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।